कहेंगे इस बारे में जी? ओके, वैसे आप क्या कहेंगे इस बारे में कि कोई भी ऐसी ज्यादती, कोई भी ऐसा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, लॉयल्टी नहीं है, चीटिंग है, अगर पता चल जाए दोनों पार्टीज को, उसके बाद क्या करना चाहिए? तीन रास्ते मैंने आपको बताया कि अमूमन लोग इख्तियार करते हैं, उनमें से आपके ख्याल में कौन सा बेहतर है? मेरे ख्याल में उसमें सबसे बेहतर रास्ता ये है कि अगर अमूमन मियां बीवी के रिश्ते में ये होता है कि जब बीवियां शक करती हैं तो वो अमूमन ठीक होती हैं, और जब शौहर शक करते हैं तो वो अमूमन गलत होते हैं। असल में जो जिस तरह ने बात की है कि शक बाज दफा बहुत पॉजिटिव भी होता है, शक हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए हम लोगों को कहते हैं कि आप इस शक के ऑब्स्टेकल को क्रॉस करेंगे तो उसके बाद आप हमारी जो इनर सेल्फ है उस तक पहुंच सकेंगे। अब मसला ये है कि अगर मर्द चीट कर रहा है और वो बच्चों की वजह से अपनी बीवी के साथ अटैच्ड है, या फिर बीवी को समझना चाहिए कि शौहर जो रोमांटिसिज्म उस औरत में तलाश कर रहा है, वो रोमांटिसिज्म मेरे अंदर कब से लैक होना शुरू हो गया। क्योंकि मसला ये है कि शौहर ने बीवी के साथ जब शादी की थी तो उसको वो तमाम रोमांटिसिज्म मिलता था, वो तमाम उसके नाज नखरे उठाए जाते थे जो बच्चों के बाद एक फैमिली के अंदर पॉसिबल नहीं होते हैं। लेकिन मसला ये आपकी